हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों, ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देने के मामले में मल्टीबैगर यहाँ पे बनाया है ये स्टॉक, और यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर बीते 5 डेज के अंदर अगर आप देखें तो ये 7800 रुपये के करीब पहले हाइएस्ट बनाया था, और उसके बाद से ये स्टॉक में कंटिन्यू लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट रहने वाला है या यहाँ से ये बाउंस बैक होता हुआ नजर आएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, तो यहाँ पे अभी के टाइम में तो गिरावट देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। बेसिकली 1 मंथ में ही यह स्टॉक आपके पैसे को 76% यहाँ पे गेन दिखाया है, और 6 मंथ में ही 469% का गेन है, और 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 1049%, और 5 ईयर्स की बात करें तो 36000% का रिटर्न है। जो स्टॉक अगर हम देखें तो यहाँ पे वो 2000 ईस्वी सन से अब तक में रिटर्न जितना दिया है, अगर हम तो इसमें से अगर हम बात करें तो ये स्टॉक 5 सालों के अंदर ही इतना रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ पे कम समय में ज़्यादा पैसा बना के देने वाला वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का वीडियो यहाँ पे मेन बनाने का मेन पर्पस है कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का डेट बहुत कम बचा है, और वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था और आज भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो क्या है डेट जो आपको अगर इसका स्प्लिट का फायदा लेना है तो आपको क्या डेट पे को यहाँ पे एक तरह से मतलब कि याद रखना होगा, उस डेट को इससे पहले यहाँ पे बाइंग करना होगा, एक तरह से उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर करिएगा दोस्तों। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डेट आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसके अंदर अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाओगे तो स्प्लिट का जो डेट रखा गया 15 मार्च 2024 का रखा गया है एक्स डेट। तो ये एक्स डेट 15 मार्च 2024 को है। तो यहाँ पे एक्स डेट के दिन आपके डीमेट अकाउंट के अंदर, डीमेट जो अकाउंट होगा उसके अंदर शेयर होनी चाहिए दोस्तों। जब यहाँ पे शेयर आपके पास रहेगा तभी इस स्प्लिट का फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एक शेयर के 5 टुकड़े होने वाले हैं, और जिसका अभी फेस वैल्यू 10 रुपया के फेस वैल्यू चेंज होकर 2 रुपया के फेस वैल्यू पे हो जाएगा। तो ये एफ बी कितना हो जाएगा? 2 रुपये का हो जाएगा, जो अभी के टाइम पे एफ बी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, अभी स्टॉक है जो जीएसएम लिस्ट में रेड फ्लैग्स में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे रेड फ्लैग्स मिल रहा है स्टॉक के अंदर, जो एक थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव पॉइंट भी लग रहा है। लेकिन वारी रिन्यूएबल एनर्जी की अगर आप बात करो तो यहाँ पे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी सॉरी तो वो ये कंपनी को कंटिन्यू अभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अगर हम देखो आप देखोगे तो इस कंपनी को कंटिन्यू यहाँ पे नया ऑर्डर भी मिलता हुआ नजर आया है। अभी के टाइम पे अगर देखें तो यहाँ पे इसकी स्टॉक का जो पी है काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क वाला स्टॉक हो जाता है। 5.59x वोल्टाइल है ये स्टॉक बेसिकली। तो दोस्तों, यहाँ पे वारी रिन्यूएबल एनर्जी की हम यहाँ पे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने आपको अपडेट दे दिया हूँ। तो यानी आज के डेट में अगर आप बाइंग करके चलते हो तभी आपको एक तरह से स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलता हुआ दिखेगा, अदरवाइज आपको स्टॉक स्प्लिट का फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा दोस्तों।